सीखने वाली चीजें हैं छोटे बच्चों को, जिनको मतलब यहाँ पे लाएंगे तो सीखेंगे, यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे। Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are good. So guys, मैं रेडी तैयार हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं चलेंगे न्यू प्लेस पे आपको लेकर के। और इससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उससे क्या है, जब आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं मोटिवेट फील करता हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है। सो अब न्यू प्लेस लेके चलते हैं आपको। सो गाइस, आ चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ पे आए हम। आए आज नेशनल साइंस सेंटर, इसको बोलते हैं नेशनल साइंस सेंटर, कुछ लोग बोलते हैं इसका नाम साइंस म्यूजियम, उस जगह पे आए हैं हम और आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, टिकट कितने रुपए की है देखते हैं, फिर लेके आपको बताते हैं। टिकट काउंटर वगैरह आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट ले रहे सब, हम भी जाएंगे टिकट लेंगे। और ये रहा, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये देखिए ये रहा नेशनल साइंस सेंटर, इसके अंदर से चलेंगे, एंट्री लेंगे। चलते हैं, आप टिकट लेके आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो टिकट ले लिया मैंने, और आपको मैं टिकट का प्राइस बताना चाहूँगा। टिकट का प्राइस है पर पर्सन 60 रुपीज़, 60 रुपये की टिकट है एक बंदे की। और यहाँ पे बहुत सारे शो वगैरह होते हैं, मैं आप लोगों को शो के यहाँ पे लिस्ट दिखाता हूँ, जिस अकॉर्डिंग जो सा शो आप चुनना चाहेंगे उस शो के हिसाब से आपसे पे किया जाएगा, आपसे पैसे लिया जाएगा। बट मेरे को शो अभी देखना नहीं, फिर किसी दिन और आएंगे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शो की टाइमिंग है, सारे शो की टाइमिंग अलग अलग टाइम पे है, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। तो इस चक्कर से मैं नहीं देखूंगा, जब फ्री होऊंगा किस दिन, जब फ्री टाइम से आएंगे तब देखेंगे हम शो वगैरह। अभी अंदर चलेंगे, उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को यहाँ का शो का तो चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टिकट प्राइस के चार्ट वगैरह लगे शो वाले वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे टिकट लिखा हुआ है, एंट्री टिकट जैसे आपको दिख रहा है 60 रुपीज़। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3D शो एंड फैंटसी राइड, विज्ञान शो, साइंस शो जिसे कहते हैं, साइंस लिखा हुआ सारे यहाँ, साइंस ऑन स्पेयर, ये सारे शो के प्राइजेज हैं, इस हिसाब से अकॉर्डिंग अपने चुन सकते हैं आप। और अब चलते हैं। हम और अंदर आप लोगों को यहाँ से स्टार्टिंग से दिखाना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें। बस गुस्से के साथ ही एंट्री लेते, गेट के बगल में ही है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए जादुई नल, मैजिक टैब, ये देख सकते हैं आप मैजिक टैब जिस तरीके से है, और इसमें पाइप वगैरह कुछ नहीं है, पानी गिर रहा है जैसा आप देख रहे हैं, ऐसे ऑटोमेटिक लगा हुआ है ये। कुछ इस तरीके से है इस टर्निंग ग्लासेस पियानो, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है ये। यहाँ पर जब आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये पियानो बजता है पूरा का पूरा, जैसे देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ ये बज रहा है, हाथ लगाने पे बजता है देखिए। स्ट्रक्चर डिजाइन बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये देख सकते हैं, ये जंतर मंत्र के बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके, वन बाय वन, जो जो जंतर मंत्र के और बहुत सारी जगहों के हैं जो जो है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। Oh,
आप इसको इंडियन क्राफ्ट बोलते हैं। देखिए ये इंडियन क्राफ्ट अपना, ये देखिए जैसे लिखा हुआ देख रहे हैं टेक्सटाइल्स। ये पहले के टाइम पे जो ये यहाँ पे मतलब उससे कपड़े धागे से वो बनाया जाता था, कपड़े वगैरह बिनते थे। ये देखिए ऐसा लोगो बना रखा है ये। तोप वगैरह रखी हुई है जैसा आपको दिख रहा है, ये देखिए पहले के टाइम की तोप है यूज करते थे जो, इसकी ये बना रखे हैं पहले जो यूज किया जाता था। और ये अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है अंदर से। ये रही तोप रखी है, तोप वगैरह, और ये इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन बना रखे हैं सारे, यहाँ पे मीनार हो गए जैसे ताजमहल हो गया, फेमस फेमस चीजें जो है उन सबों के मीनार डिजाइन बना रखा है। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए एक तो मीनार का डिजाइन बना रखा है, जैसे स्ट्रक्चर बना रखा है। डिजाइन जो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखाने चाहूंगा, सबसे मस्त लगा मुझे, सबसे बढ़िया लग रहा है, सबसे बेहतरीन दिखा हुआ मुझे, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये ताजमहल जैसे ही आपको दिख रहा है कितना ही बेहतरीन दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, अट्रैक्टिव सी अंदर से देखिए कितना ही अट्रैक्टिव लगता जा रहा है जैसे आप देख रहे हैं। पहले के टाइम पे जैसे यूज करते थे ये बजाने के लिए, ये म्यूजिशियन का है दिख रखा है पूरा, देखिए पूरा म्यूजिशियन एरिया है ये, पहले क्या क्या यूजेस होते थे बजाने के लिए उसके हैं ये सारे चीजें। साइंस की बातें इसमें सारी की सारी साइंस वाली है, अंदर देखेंगे साइंस के क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। सो देख सकते हैं आप, ये देखिए है और इसके बारे में सारी चीजें लिखी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ऐसा है। आगे दिखाता हूँ, देखिए बेबी कैसे बॉर्न होता है उसके बारे में बना रखा है, स्ट्रक्चर डिजाइन बना रखा है कैसे, देख सकते हैं आप जैसे कि, देखिए कैसे होता है, कितने महीने में क्या होता है, ये पूरा बना हुआ है। सीखने वाली चीज़ें हैं छोटे बच्चों को, जिनको मतलब यहाँ पे लाएंगे तो वो सीखेंगे, यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे, और छोटे बच्चे वगैरह के लिए ही बनाया जाता है साइंस म्यूजियम वगैरह, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसको, यहाँ पे आते देखते हैं तो वो सब चीज़ें सारी सीखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया क्या था वो साइंस की सारी चीज़ें, और भी चीज़ें यहाँ पे साइंस के बारे में आप लोगों को और दिखाऊंगा मैं अभी एक एक करके, जो जो मेरे को दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे सामने जो आ चुका है उसको दिखाते हैं आपको। देखिए सीट ऑफ इंटेलेक्ट लिखा है, और ये है हमारा ब्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन है ये, इसके बारे में है यहाँ पे, ये देखिए लिखे हुए सब लिख रखा है आप देख सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है भाई, ज़रा साटना, हाँ जी भाई, ये जो देख रहे हो ये विदाउट टच करे, इसमें टच नहीं करना होता, बिगड़ टच करे निकालना होता है, इसको निकालते हैं जैसे ये चीज़ है, इसको ऐसे बिगड़ टच करे इसके अंदर से पूरा ऐसे गोलाई से निकालना होता है, बट ये टच हो जा रहा है मेरे से, तो जिसको एक्सपीरियंस है वो निकाल सकता है इस चीज़ को विदाउट टच करे। और दिखाते और क्या, आगे चलिए, द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ डीएनए हमारा, ये डीएनए का ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना रखा है इसको। द कोडिंग ऑफ लाइफ, ये देख सकते हैं ये द कोडिंग ऑफ लाइफ है ये।
ब्लड ग्रुप के बारे में है, ब्लड गिव एंड टेक, मतलब ब्लड ग्रुप देने और लेने के बारे में कुछ ऐसा है, ए बी ओ बी ए सारा ये। ये लिख रखा है इनसाइड योर हार्ट, मतलब दिल के बारे में, और ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये रहा दिल पूरा का पूरा ये बन रखा है, और इसके मैं स्ट्रक्चर्स दिखा दूँ आप लोगों को, तो लिखे मैं वो दिखा देता हूँ यहाँ पे।